नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसके पूर्व कि आज हम डीप फेक के मुद्दे पर बातचीत करें, एक छोटा सा अनुरोध। हमारे इस शैक्षणिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। डीप फेक का नाम आपने पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक सुना होगा। डिजिटल दुनिया ने हमारे सामने बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत कर दिए हैं, बहुत सारे विकल्प हमको मिलते चले गए हैं सूचना और जानकारी को प्राप्त करने के लिए, सूचना और जानकारी को प्रसारित करने के लिए। और विभिन्न मीडिया संगठनों सहित व्यक्तियों ने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अपने अपने ढंग से प्रभावी उपयोग किया है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इको चैम्बर्स के बारे में बात की, फिल्टर बबल्स के बारे में बात की कि किस तरह से आज के दौर में ये विचारों को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे व्यक्ति एक घेरे में कैद होता चला जा रहा है, वैचारिक दृष्टि से कूप मंडूक होता चला जा रहा है, किस तरह से लगातार सूचनाओं का आक्रमण हमारे मन मस्तिष्क पर हो रहा है और उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं। इसी संदर्भ में आज चर्चा का विषय है डीप फेक। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग के उपयोग से जो वास्तविक दिखने वाले वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं या इमेजेस हैं, छवियां हैं, चित्र हैं, उन्हें तैयार कर देते हैं, जबकि सही अर्थों में वो वीडियोस, वो ऑडियो और वो इमेजेस नकली होती हैं। लेकिन एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए यह चमत्कार आज कर पाना संभव हो गया है। इस तकनीक का उपयोग कर किसी व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव और आवाज को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया जाता है कि वह असली जैसे ही प्रतीत होते हैं। डीप फेक की इस ताकत ने जहां एक और मनोरंजन और विज्ञापन की दुनिया में एक नई क्रांति पैदा कर दी है, वहीं दूसरी ओर इसने गंभीर सामाजिक राजनीतिक खतरों को भी आमंत्रित किया है। डीप फेक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है डीप लर्निंग और फेक शब्दों के संयोजन से। डीप फेक की शुरुआत हम 2017 से मान सकते हैं, हालांकि उसके पूर्व भी इस तरह के प्रयोग हो रहे थे, इस तरह के छल छद्म पहले भी होते थे। लेकिन 2017 से अमेरिका की एक सोशल वेबसाइट रेडिट से इसकी शुरुआत होती है। इस रेडिट वेबसाइट पर जो पंजीकृत होते हैं उन्हें रेडिएटर कहा जाता है। इस पर वे लिंक, टेक्स्ट, पोस्ट, चित्र या वीडियो जैसी सामग्री अपलोड करते हैं और उसी पर फिर अपवोट और डाउनवोट्स की भी सुविधा दी गई है। अपवोट अर्थात जो सामग्री पोस्ट की गई है उसकी गुणवत्ता को लेकर के एक तरह से हम उसकी स्वीकृति देते हैं। वो पोस्ट कितनी लोकप्रिय है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, और डाउनवोट का मतलब है कि ये पोस्ट प्रभावी नहीं है, और प्रकारांतर से उस पोस्ट के क्रिएटर को भी ये संदेश जाता है कि उसे अभी और मेहनत करनी है। ये सोशल मीडिया या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें जो एल्गोरिदम काम करते हैं वो इस तरह के अपवोट्स के माध्यम से उस पोस्ट को उस वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर भी ले आते हैं। ये जो वेबसाइट थी रेडिट, इसका अर्थ है रेडिट अर्थात मैंने ये वेबसाइट देख ली है। अक्टूबर 2023 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह वेबसाइट दुनिया की विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स में 18वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर लगभग 50% ट्रैफिक अमेरिका से है, जबकि कनाडा और ब्रिटेन से यह प्रतिशत लगभग 7 है। इस वेबसाइट की शुरुआत 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के दो रूममेट्स ने की थी, और बहुत जल्दी ही ये वेबसाइट
अमेरिका में बहुत लोकप्रिय होने लगी। 2017 में इसी वेबसाइट ने डीप फेक की अवधारणा को एक तरह से जन्म दिया या उसकी शुरुआत। इस तकनीक से मीडिया के साथ साथ जो हमारे अन्य विकल्प हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। चाहे हम हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे फिल्म और मनोरंजन उद्योग की बात करें, चाहे विज्ञापन की बात करें या जीवन का कोई और क्षेत्र हो, वहां भी इस बदलती हुई तकनीक ने एक तरह से अपना हस्तक्षेप बहुत तेजी के साथ स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों में डीप फेक ने एक नई चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत की है। यह तकनीक शुरू हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग से, जिन्होंने हमारे वीडियो, ऑडियो और छवियों को इतना गहराई से प्रभावित किया है कि असली और नकली में फर्क करना सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव हो गया है। यह तकनीक मनोरंजन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए, रचनात्मकता के लिए जहां एक वरदान साबित हो सकती है, वहीं गलत सूचना के प्रचार प्रसार में, धोखाधड़ी में, वित्तीय फ्रॉड में, प्रोपेगेंडा में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अभिशाप भी साबित हो सकती है। आज यहां पर हम इस डीप फेक के प्रभाव, इसकी संभावनाओं और इससे निपटने के कुछ तरीकों पर बातचीत करेंगे। डीप फेक तकनीक में किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के चेहरे के साथ बदल दिया जाता है, और इसमें यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति की आवाज को बदलकर उसे कुछ ऐसा कहने के लिए बना दिया जाता है जो उसने कहा नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, इस तकनीक से आपके ही किसी मित्र की, आपके ही किसी रिश्तेदार की आवाज बनाकर आपको ठगा जा सकता है। सेलिब्रिटीज की इस तरह से डीप फेक वीडियोस बनाने की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी है कि किस तरह से उन्हें बदनाम किया जा सकता है, किस तरह से उनकी मान हानि की जा सकती है। डीप फेक तकनीक का मुख्य आधार डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क है। इसमें एक बहुत बड़े डेटा सेट का उपयोग किया जाता है, और इस डेटा सेट में व्यक्ति विशेष के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्तियां, उसकी आवाज आदि सभी कुछ संकलित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इस डेटा का उपयोग कर एक नया नकली वीडियो बनाने में सक्षम है या ऑडियो क्लिप बनाने में सक्षम है जो आपको वास्तविक प्रतीत होगा। डीप फेक्स बनाने के लिए सामान्यतः जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स का प्रयोग किया जाता है। इस जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स में दो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर एक नकली वीडियो या क्लिप को आगे बढ़ाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर उसे वास्तविक से अलग करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जनरेटर लगातार अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करता चला जाता है, और अंततः एक ऐसा नकली वीडियो तैयार हो जाता है जिसको पहचानना आपके लिए असंभव है। मनोरंजन के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग करके हम कई सकारात्मक कार्य कर सकने में आज सक्षम है। नई फिल्मों में आप पुराने जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं, उन्हें एक बार पुनः जीवित कर सकते हैं। उन्हीं की आवाज में उन्हीं को हम प्रस्तुत कर सकने में आज सक्षम हो गया है। किसी ब्रांड एम्बेसडर को विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए दिखा करके आप उसके प्रचार प्रसार को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप दे सकते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप उन ऐतिहासिक घटनाओं को रिक्रिएट कर सकते हैं। अध्ययन में कितनी सुविधा आपको मिल जाएगी, विद्यार्थियों को आप विषय के साथ सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। जहां मेडिकल के क्षेत्र में वर्चुअल सर्जरी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण में भी इस तकनीक का प्रभावी उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके उपयोग कम और खतरे ज्यादा हैं, और यही स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राजनीतिज्ञों के विवादित बयान इस बात के उदाहरण हैं
कि किस प्रकार चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने के लिए इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। बल्कि चुनावों में अब तो यह भी संभव हो गया है कि किसी पार्टी विशेष के दिवंगत नेताओं को भी इस तकनीक के माध्यम से पुनः जीवित कर दिया गया और उन्हें प्रत्याशी विशेष या दल विशेष के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए वर्चुअल मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यह तकनीक इस तरह के नकली समाचारों को बहुत तेजी से प्रसारित करती है और आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान समाज और देश को होने की आशंका है। और इससे अलग हटकर यदि हम साइबर अपराधियों की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी ही आवाज की हूबहू नकल करके किस तरह से आपके जीवन को, आपके परिजनों के जीवन को संकट में डाला जा सकता है, आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह तकनीक जहां वित्तीय धोखाधड़ी के साथ ब्लैकमेलिंग के लिए उपयोग की जा रही है, वहीं इसके माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है या ऐसी गतिविधियों में बहुत सारे व्यक्ति संलिप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए डीप फेक तकनीक से सतर्क और सजग रहना बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि AI और ML के माध्यम से तैयार किए गए इन ऑडियो, वीडियो और इमेजेस की असलियत को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इसकी सत्यता की पुष्टि करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता से हम पहचान सकते हैं। जहां आज दुनिया भर की सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वो डीप फेक को प्रतिबंधित करें, अमेरिका में भी इस तरह की मांग हुई है और अन्य देशों में भी मांग हुई है और इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की बात भी की जा रही है। हमारे देश में जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट है वर्ष 2000 का, उसी के तहत इस प्रवृत्ति से फिलहाल निपटने की व्यवस्था है। अलग से कानून लाने के लिए सरकार विचार कर रही है, जैसा कि हमारे संबंधित विभागों के मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक गरबा डांस करते हुए दिखाए गए थे। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका डीप फेक वीडियो है। दूसरी ओर जो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इस तरह के नीतिगत उपाय कर रहे हैं ताकि डीप फेक से उनके यूजर्स को, उनके उपयोगकर्ताओं को बचाया जा सके। एक्स, पूर्व में जिसे ट्विटर कहते थे, ये प्लेटफॉर्म्स एक इस तरह की चेतावनी उस पोस्ट के साथ देने लगे हैं जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग करके कोई नकली चित्र या वीडियो पोस्ट किया गया हो। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स से ये सर्टिफिकेट लेते हैं कि उनके इस पोस्ट में किसी प्रकार AI का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है, अर्थात ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कुछ सतर्क हो रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मीडिया साक्षरता का तेजी से प्रचार प्रसार। आज देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में पहल की है, उन्होंने विभिन्न विषयों के शिक्षकों को इस तरह के कोर्सेज में एनरोल्ड होने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दे सके और जगह जगह इस तरह की वर्कशॉप्स आयोजित कर सके ताकि हम मीडिया लिटरेट हो। लिटरेसी के कई रूपों की बात हमने की है, अक्षर ज्ञान से लेकर के आज डिजिटल लिटरेसी की बात करने लगे हैं, लेकिन मीडिया लिटरेसी का यह अभिप्राय है कि हम आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषित करने की क्षमता को विकसित कर सके। कोई भी पोस्ट आ रही है, उसका मंतव्य क्या है, उसका कंटेंट किस तरह का है, वो किस उद्देश्य से यहाँ पर पोस्ट की गई है, उस सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये तय करना होगा कि इस पोस्ट की सत्यता की संभावना कितनी है। जब इस तरह की प्रवृत्ति होगी, हम इस तरह की पोस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो शायद हम एक सीमा तक इस तरह के खतरों से बचने के लिए एक अपना मार्ग तलाश पाएंगे। आप व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमाएं, उसके लिप सिंकिंग को देखते हुए, उसकी भाव भंगिमाओं को ध्यान से देखते हुए, उसके आई मूवमेंट्स को देखते हुए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर इस तरह के नकली वीडियोस को भी पहचान पाएंगे।
इसका सीधा सा अर्थ है, किसी भी पोस्ट पर तुरंत विश्वास करने की आदत से बचें। स्वयं अपने विवेक का उपयोग करते हुए आप कोशिश करें कि हम सत्य और असत्य का भेद कर पाए। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि बराक ओबामा को किसी राजस्थानी गीत पर नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है तो वह सच नहीं हो सकता। तो कई बार इस तरह की विवेक बुद्धि का उपयोग करके आप समझ सकते हैं कि ये मजाक है, ये कोई सत्यता है इस पोस्ट के पीछे। अमेरिका में सबसे पहले मशहूर सिंगर स्विफ्ट के साथ इस तरह की डीप फेक की धोखाधड़ी हुई थी, जब उनके बहुत सारे फोटोज वायरल कर दिए गए थे। इसके बाद तो आप दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हम ओबामा की बात करें, जो बाइडन की बात करें, ट्रंप की बात करें, ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं अमेरिकन राजनीति के, इन सब के डीप फेक वीडियो प्रचारित प्रसारित हुए हैं। और यहां तक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के भी वीडियोस इस तरह से प्रसारित हुए हैं, डीप फेक वीडियो, जिसमें उन्होंने रूसी सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण का आह्वान किया था। अधिकांश डीप फेक वीडियो अश्लील प्रकृति के होते हैं। इनका उपयोग लोगों को झूठा बनाने और राजनेताओं की डिजिटल रूप से परिवर्तित क्लिप को वायरल करने का उद्देश्य होता है। कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को व्यापक रूप से प्रचारित अपने एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से मूर्ख कहते हुए दिखाया गया है। इसी तरह मेटा प्रमुख जुकरबर्ग को ऐसे ही एक अन्य वीडियो में अरबों लोगों के चुराए गए डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होने का दावा करते हुए दिखाया गया है। भारत में भी कुछ फिल्म अभिनेत्रियों के, खिलाड़ियों के डीप फेक वायरल होने के उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का जो वीडियो था वो डीप फेक का ही एक उदाहरण है। यूरोपियन संघ ने अपनी एक आचार संहिता भी बनाई है, अनेक देशों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए। वैश्विक स्तर पर AI के जरिए हेरफेर और इससे उत्पन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर 2023 को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और यूरोपीय संघ सहित 28 देशों ने ब्रिटेन में आयोजित एक सेफ्टी सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को ब्लेचली घोषणा कहा जाता है। यह सम्मेलन लंदन के ब्लेचली पार्क में हुआ था, संभवतः इसीलिए इसे ब्लेचली घोषणा कहते हैं, कि डीप फेक की इस चुनौती से निपटने के लिए सभी देश मिलकर के काम करेंगे। इस बैठक में इन देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार इस बात पर गंभीरता से चिंतन करते हुए स्वीकार किया कि AI का ये गलत उपयोग संपूर्ण मानवता के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। जहां 2017 में रेडिट वेबसाइट पर मशहूर हस्तियों के फोटोज को लगा दिया गया था, जिनमें गैल गैडोट, टेलर स्विफ्ट और जोहानसन प्रमुख हैं, वहीं 2019 में एक नकली आवाज के जरिए 2019 में ब्रिटेन में एक कंपनी विशेष के CEO की नकली आवाज बनाकर लाखों डॉलर्स बैंक से ट्रांसफर करा लिए गए। इसी तरह से 2021 में जापान में डीप फेक के कारण $35 मिलियन का वित्तीय फ्रॉड भी हुआ था। तो आज हम डिजिटल माध्यमों का इतना सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप इस तकनीक का उपयोग करते हुए पूरी सावधानी बरतें और जीवन में जब भी कहीं इस तरह की तकनीक के दुरुपयोग के कोई अवसर या घटनाक्रम आपके साथ जुड़े तो पूरी सतर्कता और सावधानी से आप स्वयं भी बचें, अपने परिवार को बचाएं और अपने मित्रों को बचाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।